एल्विश यादव एक बार फिर खबरों में बने हुए हैं। दरअसल एल्विश यादव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है, जो अब विवाद का कारण बन गया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में एल्विश हरे रंग की टी शर्ट पहने एक लड़के को पीटते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो मैक्सटन के नाम से पॉपुलर है। मैक्सटन का असली नाम सागर ठाकुर बताया जा रहा है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद जहां एक धड़ा एल्विश को सपोर्ट करता हुआ दिखा, तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो एल्विश को बुरा भला बोल रहे हैं। अब इस पूरे मामले पर यूट्यूबर एल्विश यादव का बयान सामने आ गया। उनका इस मामले पर क्या कहना है, वो बताने से पहले आपको इस पूरे विवाद को समझाते हैं कि आखिर ये आफत क्यों आई, इसकी वजह क्या है। दरअसल एक फ्रेंडली क्रिकेट मैच के बाद मुनव्वर फारूक और एल्विश यादव की कई तस्वीरें वायरल हुई थी, जिसमें वो दोनों हंसते खिलखिलाते हुए दिखाई दे रहे थे। बताते चले कि इन दोनों के कई फैन क्लब्स भी हैं, जो आपस में अक्सर ऑनलाइन उलझते रहते हैं। दोनों के साथ वाली तस्वीर के बाद कई लोग एल्विश के सपोर्ट में थे। उनका कहना था कि दोनों एक चैरिटी मैच का हिस्सा थे, ऐसे में वो वहां झगड़ने नहीं लगेंगे। कुछ लोगों का कहना था कि एल्विश को मुनव्वर से मिलना भी नहीं चाहिए था, गले नहीं लगना चाहिए था। #ShameOnElvish #1 पर ट्रेंड कर रहा है। ट्वीट में बताया गया कि बिना पीआर कैंपेन के 1,00,000 से ज्यादा ट्वीट आ चुके हैं। इन सब के बीच एल्विश का भी ट्वीट आया, उसमें लिखा था, खोट निकालने बैठोगे हर चीज में खोट निकल जाएगी, प्यार मोहब्बत से रहो और आगे बढ़ो। इस पर रैंडम सिन्हा ने रिप्लाई दिया, मुनव्वर को गले नहीं लगाना चाहिए था, धर्म से बड़ा पैसा नहीं होता, गलत को एक्सेप्ट ना करना ईगो की कैटेगरी में आता है। खैर, किसने सोचा था कि गले लगाने से ही लोग इतने आहत हो जाएंगे। जब ये सब चल रहा था, तभी एक यूट्यूबर मैक्सटन ने भी एल्विश यादव पर कुछ मीम शेयर किए। मैक्सटन ने एक ट्वीट कर लिखा, जब मैं मुनव्वर के बारे में बात करता हूं, तो एल्विश के फैंस आतंकवादी और एंटी हिंदू घोषित कर देते हैं, लेकिन जब एल्विश और मुनव्वर मिलते हैं तो एल्विश के फैंस कहते हैं पॉजिटिविटी, प्यार बांटो, अरे सचिन पाजी भी तो शोएब अख्तर से मिलते थे। इसके बाद मैक्सटन का एक और ट्वीट आया, जिसमे एल्विश की क्लिप लगी थी। उसमें एल्विश ने कहा था, हर आदमी दोगुला है। इस वीडियो में नीचे एल्विश और मुनव्वर की तस्वीर भी लगी हुई थी। वीडियो को रीट्वीट करते हुए एल्विश यादव ने लिखा, भाई तो दिल्ली में ही रहता है ना, सोचा याद दिला दूं। इसके बाद मैक्सटन ने एक व्हाट्सएप चैट का स्क्रीनशॉट लगाया और लिखा कि वो गुरुग्राम जा रहे हैं। चैट में ऐसा दिखाया जा रहा था कि एल्विश यादव से मैक्सटन की बातचीत हुई है और ये दोनों मिलने वाले हैं। आगे उन्होंने गुरुग्राम जाने के 2 ट्वीट भी किए। इसी बीच एल्विश के इंस्टाग्राम अकाउंट से भी एक स्टोरी अपलोड की गई। पहली स्टोरी में अपनी तस्वीर के साथ लिखा, ऑन माई वे टू, और उसके बाद एक क्वेश्चन मार्क। लगभग 1 घंटे बाद फिर से स्टोरी आई, जिसमें लिखा था वर्क डन। लोग इन स्टोरीज को मैक्सटन से जोड़ते नजर आए। बाद में मैक्सटन के अकाउंट से एक वीडियो भी आया, जिसमें वो बता रहे थे कि एल्विश के साथ आए करीब 8 से 10 लोगों ने उन्हें मारा। देखिए मैक्सटन ने क्या कहा, ये सब कुछ 8 मार्च की रात को हुआ। वहीं इसको लेकर घर के कलेश नाम के पेज पर इस लड़ाई का वीडियो भी अपलोड कर दिया गया। अब मामला सभी के सामने है। वहीं इस मामले को लेकर एल्विश यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मैं अपनी मां के लिए गाली नहीं सुन सकता। फिलहाल इस पूरे मामले पर जानकारी देते हुए सेक्टर 53 के थाना प्रभारी राजेंद्र सिंह ने कहा कि इस शिकायत पर एल्विश यादव के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है, वीडियो को भी जब्त कर लिया गया है और मामले की जांच चल रही है। खैर, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें।